बॉलीवुड स्टूडियो के माध्यम से आज हार्ट बीट एल्बम की लॉन्चिंग हुई है और इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में मेरे साथ में जीनत जिसान जी हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी, आगरा में क्या दिखाई देता है जिस तरीके से हम रोज़ाना देख रहे हैं, कहीं ना कहीं फिल्में शूट हो रही हैं, सीरियल शूट हो रहे हैं, आज एक एल्बम की भी लॉन्चिंग हुई है, तो आगरा में कितना स्पेस दिखाई दे रहा है इस तरह की? देखिए आगरा में जैसे जैसे कलाकार बढ़ते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्पेस आगरा में बढ़ता चला जाए, क्योंकि बॉलीवुड स्टूडियो ने बहुत कलाकारों को, नए नए कलाकारों को जगह दी है। इसमें भी हमने देखा कि जो रैम वॉक की 10 या 12 मॉडल्स थी, उन्होंने रैम वॉक की और लोगों को जागरूक किया, मास्क भी लगाया कि जो कोरोना काल ये चल रहा है उससे लोग जागरूक हो सकें और अपने को सेफ कर सकें। 12 मॉडल्स को रैम पर कैटवॉक कराया है कि एक मैसेज भी, कोविड के लिए मैसेज भी दिया गया उसमें। जो मॉडल्स हैं वो मास्क लगाते हुए भी दिखाई दी, तो क्या मानते हैं इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो मैसेज किस तरह का जाता है? जी, लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत एक अच्छा कार्यक्रम है, इससे लोग मोटिवेट तो होंगे ही, साथ ही कि उनको ये लगेगा कि देखिए मॉडल्स ने भी मास्क वियर कर सकता है तो हम क्यों नहीं मास्क वियर कर सकते, तो इससे कोरोना के लिए भी एक अच्छा संदेश जाता है। सांसद आगरा SP सिंह बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरह के जब कार्यक्रमों में सांसद हो चाहे और बड़े कलाकार आते हैं, तो जो छोटे कलाकार हैं जो सीख रहे हैं उनको किस तरीके का एक मोटिवेशन मिलता है? देखिए सांसद जी ने कैटवॉक की यहाँ पर रैंप पर, जिससे कि जो छोटे छोटे कलाकार हैं, जो मॉडल्स हैं, उन्हें एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला कि देखिए सांसद जी ने भी आज कैटवॉक की है, तो एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। जो नए नए कलाकार हैं उनके लिए तो एक बहुत ही अच्छा है, उनके मोटिवेशन के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कुल मिला के आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये पूरी टीम को, बॉलीवुड स्टूडियो की पूरी टीम को, हार्टबीट की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि मुझे उन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए यहाँ पर इनवाइट किया, और बधाई देती हूँ कि आगरा में जितने भी कलाकार हैं या उन्हें मोटिवेट हों इस एल्बम को देख कर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। कोविड कहीं ना कहीं लगातार दिखाई दे रहा है और बड़े हालात आगरा के नाजुक हैं, स्कूल्स को भी बंद कर दिया गया है, तो कैसे देख रहे हैं मैम, क्या कुछ मैसेज कोविड को लेकर भी आप देना चाहें? देखिए मैं कोविड को लेकर यही मैसेज देना चाहूँगी कि डिस्टेंस बनाकर रखें और मास्क वियर करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, घर में अपने जो भी है सफाई रखें और इम्यूनिटी अपनी बढ़ाएं। शुक्रिया आर्थ न्यूज़ से चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच। तो जीनत जिसान जी थी मेरे साथ में, जो RBPG कॉलेज के ऑनर हैं और जो एल्बम हार्टबीट बॉलीवुड स्टूडियो के माध्यम से जो लॉन्चिंग हुई है, आज 12 मॉडल्स ने कैटवॉक भी किया, तो एक कहीं ना कहीं यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि आगरा भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों के लिए अब हब बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ फिल्में शूट हो रही हैं, यहाँ सीरियल्स शूट हो रहे हैं, यहाँ एल्बम्स की लॉन्चिंग हो रही है। आगरा के सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने आज इसके विधिवत जो लॉन्चिंग की है, सभी कलाकारों में एक जोश दिखाई दे रहा है। जीनत जिसान जी ने भी कहा कि काफ़ी स्पेस है आगरा में इस तरह की चीज़ों के लिए, और जो कलाकार हैं, नए जो कलाकार हैं, मॉडल्स हैं, उनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ से बेहतर करने की कोशिश कलाकारों की होगी। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ।